अच्छा लग रहा है, मैं सारे खिला दे। सारे खिला दे। आज ना मकर संक्रांति के दिन गायों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। वैसे हमें तो हमेशा ही करनी चाहिए, बट आज थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो आज वो कर लिया। अब यहाँ से जाएंगे नर्सरी, नर्सरी पे थोड़ा सा कुछ काम है तो वो निपटाएंगे, एंड मार्केट का भी कुछ काम है वो भी निपटाएंगे। तो शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान चल रहा है तो बताता हूँ कहाँ जाना है। ड्राइवर नर्सरी लास्ट कब आए थे? अप्रैल में ना, बहुत टाइम हो गया। हाँ सांप निकला था यहाँ पर, है ना। एक कड़ी पत्ते का पौधा भी लूंगी। कड़ी पत्ता चाहिए ना? ठीक है, कड़ी पत्ता ले लो। फ्रेश लीव्स हो जिसकी। ओके, और भी देख ले, बहुत सारे मुझे नई नई वैरायटी भी दिख रही है। बहुत लगता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो हर चीज में तो खाते हैं, तो साउथ इंडियन है ना, सब जानते हैं व्लॉग वाले। क्राइसैंथेमम, ऑरेंज, पर्पल। इस फ्लावर का नाम है क्राइसैंथेमम, और बचपन में मैंने मूवी देखी थी जजंतरम ममंतरम। ससुराल गेंदा फूल कुछ भी। गाइस ये पेड़ पर फ्रूट दिख रहा है, ये एक्चुअली कबीट कहते हैं इसको। इतना खट्टा होता है लेकिन इसकी बहुत प्यारी और बहुत टेस्टी चटनी बनती है। नमक मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं इसको लगा के। तो अमरू ने लिया एक रोज, एक व्हाइट फ्लावर वाला हिबिस्कस, एक ऑरेंज फ्लावर वाला हिबिस्कस, वो सामने पर्पल कलर वाला डहेलिया, और छोटे छोटे कुछ और फ्लावर्स वाले प्लांट्स लिए। कैलेंड्यूला भी लिया है, ये पड़े हमारे प्लांट्स 1 2 3 4। गेंदा लिया है? नहीं ना। हाँ ठीक, दूसरा ला दो, टूट ही गया देखो। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ फाइनली मेरे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा होता है, इतनी सुंदर जगह। चलना है क्या? Meanwhile, तो फाइनली प्लांट्स ले लिए हमने, और बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावरिंग प्लांट्स लिए मैंने इस बार, क्योंकि जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं ना प्लांट्स में तो एक अलग ही सुकून आता है उसको देख के, isn't it? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत प्यारे येलो और रेड। मुझे पता था तब चला जब अभी मम्मी को बर्थडे पे हिबिस्कस का प्लांट बच्चों ने दिया ना, तब वो फ्लावर को देख के मेरे को फील हुआ कि नहीं यार सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो केवल लीव्स लीव्स होते हैं। हाँ। क्योंकि पहले मेरा क्या था कि और वो... मेरा हमेशा से फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ अलग क्रेज रहा है। मृत्युंजय को चाहिए ऐसे प्लांट्स जो कि डिजाइनर और डेकोरेटिव। हाँ, मतलब मेरा पर्पस ये था कि मेरा घर अच्छा दिखे और वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखे। लेकिन थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया है फाइनली फ्लावर्स की ब्यूटी ने। मतलब इसके बाद मैंने मान ली कि चल ठीक है वाले प्लांट्स भी ले लेते हैं। हो क्या रहा है ये? दिमाग का दही हो गया। लोग सीट आगे करने के लिए कर रहे हैं, पीछे चली गई सी। अरे एकदम से छूट जाती है यार, इतना भी मत हंसो। मैंने हैंड ब्रेक नहीं लगा रखा था, बताओ। हैंड ब्रेक में गाड़ी चलाने वाली थी। बस कर लो यार जय प्लीज। अमृता सच में अपन बाल बाल बचे। क्यों? वो जो फोटोग्राफर किया था ना अपने शादी में। हाँ। उसने मेरे बाद में जो इसकी शादी हुई थी वो भी अपनी फैमिली फ्रेंड लगती है। उसका संगीत का पूरा डेटा उड़ा दिया उसने। हाँ। तो अब उसका तो मतलब बोल रहा है डेटा ही नहीं, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई। बाप रे। तो वो तो अच्छा हुआ कि अपनी जो शादी की हार्ड डिस्क थी उसके पास में प्रिंट के लिए। शिट। हाँ, उसका बैकअप मानस के पास में अगर वो करप्ट भी कर देगा तो एटलीस्ट अपने पास में डेटा रहेगा रॉ। आ गई हल्दी कंकू में गई थी, कैसा रहा? अच्छा ऐसा। ओके गाइस, हम लोग इंदौर में रहते ना एमपी में, तो महाराष्ट्रियन कल्चर के हिसाब से जब मकर संक्रांति होती है तो जो लड़कियां होती है जिनकी शादी हो जाती है, हिंदू ब्राह्मण महाराष्ट्रियन इन सब कल्चर्स में ऐसा होता है, मम्मा बता रही है। तो जो वेडेड लड़कियां होती जिनकी शादी हो चुकी होती है वो एक्चुअली हल्दी कंकू की प्रोसेस करती है ना, एक दूसरे को हल्दी कंकू लगाती हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करती हैं, कुछ कुछ ऐसे गिफ्ट्स लाते हैं। लड्डू तो ले ही नहीं थी। गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तिल्ली के लड्डू लाई तो ले ही नहीं दे दे। हां नहीं लेकर। ओह तिल के लड्डू लेना भूल गई। अमृता का ये सेकंड हल्दी कंकू, पिछली बार तो पूरी यहाँ पे मतलब एक बार में फटाफट हो गया था, क्योंकि तेरी फर्स्ट थी ना तो मम्मी ने सभी को घर पे इनवाइट कर लिया था। अब हर साल मुझे सबके घर जा जाके करना पड़ेगा। कैसा रहा फिर भी? बढ़िया। कोई आया है? आइए पधारिए, आइए पधारिए जीजा आंटी जी। गाइस अब हम लोग तैयार हो गए, मतलब मैं तैयार हो गया हूँ। मैंने अमृता को बोला था 8 o'clock पर तैयार हो जाना, अब तैयार होने गई है वो। चलो तो मैं तैयार हो चुका हूँ, हम लोग जा रहे हैं सिमचा। सिमचा आपको अगर याद हो, नहीं मैंने व्लॉग नहीं किया था लास्ट ईयर, हमने हमारी मम्मी का बर्थडे सिमचा में मनाया था, तब मैंने व्लॉग नहीं किया था। तब ना वहाँ पर अमेजिंग सिजलर्स मिलते थे,
और वो सिजलर खाने के बाद अमृता ऐसी हो गई कि मेरे को सिजलर खाना है सिजलर खाना है, बट पता है 1 साल के ऊपर हो गया हमको टाइम ही नहीं मिला वहां जाने का। तो आज प्लान कर रहे हैं सिजलर खाने जाने का। और ये क्या भूतिया लाइट है, यहाँ पे तो कैमरा भी बंद हो गया यार मेरा, मैंने 2-3 बार चलाने की ट्राई की है। व्हाट इज दिस, दिस इज द भूतिया, ये सब क्या है, कॉलोनी में भूतिया बने। ये सिमचा में वापस आ गई हूँ सिजलर खाने। गाड़ी फर्स्ट पार्किंग नहीं, वाह यार क्या बात है, क्या स्पेस मिली, पिछली बार मिली थी है। मेरा पूरा मूड का MBA कर दिया उसने आज। गाली नहीं देती हूँ मैं कभी भी, पर यू नो मैंने गाली दी भी नहीं है अभी। एनीवेज व्हाट कैन बी डन नाउ, हुआ क्या ये तो बता दे। अरे यार सिजलर ही नहीं मिले यार वहाँ पे जो मैं मेनली खाने गई थी, हमने जो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना लास्ट ईयर, मुझे वही वाला सेम टेस्ट चाहिए था, वही सिजलर चाहिए था। और ये उसके लिए कब से 1 साल से क्रेव कर रही है, हमने कहा चलो आज प्लान करते हैं, तो आज गए ना तो आज वो पर्टिकुलर सिजलर का पूरा मेन्यू तो छोड़ो, उन्होंने सिजलर ही बंद कर रखा है, बोले कि सिजलर आप वापस चालू जब करेंगे तब आपको कॉल करेंगे, तब तक वेट थोड़ी करेंगे। तब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे, मडवन नाम है, टोल टैक्स में बिल्कुल भीड़ नहीं है, लगता है तो 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, हैप्पी हो गई, पिज्जा खाएं सिज़लर खाएं, थोड़े ऑप्शंस देखते हैं अपन, ठीक है। तो सुपर सिरी ऊपर स्टार्टर से है, जहाँ पर मुझे ये वाला स्टार्टर बड़ा, ये वाला कितना अच्छा है, सोनू के टीटू की चाइनीज पोटली, बट ये स्टार्टर है। अब मैं सिज़लर नहीं खाऊं तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, तो मेरे ख्याल से तेरे पिज्जा खाने की इच्छा है, पिज्जा ऑर्डर कर ले। दादा दादी की चटनी वाला पनीर। सर डिनर आ चुका है फाइनली, बहुत टेस्टी दिख रहा है, अपीलिंग दिख रहा है, अपीलिंग लग रहा है ना। यार बिल प्रेजेंट करने का तरीका कितना अच्छा है, वसूली, ये वसूली बोला होगा जल्दी कर कल सुबह पनवेल निकलना है।